नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो स्टूडेंट, हमने हमारे जो लास्ट वाले दो सेशन थे उसमें हमने हमारा चैप्टर 3 छुक छुक गाड़ी वो हमने क्लियर कर लिया था, डन। तो स्टूडेंट, अभी हमने उसके बाद मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आंसर अभी हम करेंगे नहीं, उससे पहले हम हमारी अंकुर पाठ माला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक उसके जो सारे टॉपिक्स है वो अभी हम देखेंगे। इसका मैं आपको वीडियो भी दूंगी जिसमें उसके सारे आंसर भी होंगे, राइट। और जो जो ग्रामर का टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती जा रही हूँ, राइट। तो आंसर तो ऑलरेडी नेक्स्ट इसी में हमारा वीडियो होगा, उसमें हम आंसर तो देखेंगे, ओके। तो देखो, सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर के बाद जो है पेज नंबर 17 पर वो है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के सारे आंसर हमारे इस वीडियो में है, राइट। कि जेम्स कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? यह सबको आता है, छोटे बच्चों को भी आता है, रेलगाड़ी की आवाज छुक छुक होती है। भाप में क्या होती है? तो भाप में क्या होती है? बहुत शक्ति होती है। भाप से आग नहीं निकलती बेटा, और भाप से ठंडक भी नहीं होती, भाप में बहुत शक्ति होती है, उसी की वजह से वो ढक्कन उठ गिर रहा था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? यस, जेम्स ने। किसने किया था? जेम्स ने। नाउ पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और समझिए। उसमें पुलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द, कौन कौन से पोर्शन है? पुलिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पहले पुलिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है वो हमें समझना है। तो पुलिंग यानी कि कोई भी मेल पर्सन, जेंट्स, बॉयज, ओके, राइट। और है हमारा स्त्रीलिंग पर्सन यानी कि कोई फीमेल, गर्ल, ओके। अगर हमें कोई शब्द दिया है उसको हमें पहचानना है कि वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग, तो हम कैसे पहचानेंगे? ओके, आइडिया है किसी को? अब अगर कोई वर्ड दिया है, देखो उसमें तो दिया है ऑलरेडी अलग अलग, इसलिए हमें पता चल गया कि ये सारे वर्ड है वो पुलिंग के हैं और नीचे के जो सारे वर्ड है वो स्त्रीलिंग के हैं। पर हमें कोई ऐसे ही दोनों में से कोई भी मिक्स में वर्ड देंगे जो आपकी एग्जाम में होंगे, तो आपको पूछेंगे कि ये पुलिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, जो शब्द है उसे सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, वाक्य बनाना है। देखो, सबसे पहला वर्ड है कमरा। क्या है? कमरा। तो आप देखेंगे कि क्या करेंगे, कमरा खुला या कमरा खुली, कमरा खुला या कमरा खुली, क्या होगा? कमरा खुला, यानी कि पीछे आ लगा, तो वो कैसा होगा? पुलिंग शब्द। कैसा होगा? पुलिंग शब्द। जिसके पीछे आ आता है वो होगा पुलिंग शब्द। देखो, दिन, आज का दिन अच्छा है। कैसा है? अच्छा। हमेशा करेंगे आज का दिन बुरी अच्छी है, आज का दिन अच्छी है, नहीं होता ना, आज का दिन बुरी है, आज का दिन बुरा है। आ लगा पीछे आ, तो वो हुआ पुलिंग शब्द। तो आपको लगेगा पानी, पानी के पीछे तो ई है, तो पानी नहीं, देखो पानी पिया, मैंने पानी पिया, तो पिया, आ लगा पीछे। देखो, याद रखना पीछे आ लगेगा, तो वो सारे वर्ड होंगे पुलिंग। फिर है घर, मेरा घर यहाँ है, ओके, घर नजदीक है, ओके, घर सुंदर है। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे देखो, उसमें स्त्रीलिंग तो कभी आ ही नहीं सकता, राइट। स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग वर्ड उसमें आप डालेंगे तो भी वो होगा ही नहीं, राइट। घर सुंदर, घर सुंदरी ऐसा होगा नहीं ना। तो फिर है इंजन, इंजन आया, रेल के साथ इंजन आया, आया आ लगा, तो हुआ पुलिंग शब्द। फिर है हाथ, मेरा हाथ, देखो मेरा हाथ दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, मैं ऐसा कहूंगी कि मेरा हाथ दर्द कर रही है। मैं, देखो फीमेल, मैं एक फीमेल हूं,
तो भी मैं ऐसा बोलूंगी कि मेरा हाथ दर्द कर रही है? नहीं ना, मैं कहूंगी कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है। रहा यानी कि हाथ के लिए मैं फीमेल हूं, पर हाथ के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? मैं, हुआ, कर रहा। ओके, हाँ भाई, इसलिए हाथ है वो पुलिंग वर्ड है। फिर है दरवाजा, तो दरवाजा खुला। ओके, दरवाजा खुला, हम कहेंगे दरवाजा खुली, नहीं ना, तो वो भी हुआ पुलिंग वर्ड। तो फिर उसके बाद देखो नीचे स्त्रीलिंग वर्ड, खिड़की खुली, खिड़की खुला, ऐसा कहेंगे हम कि यहाँ पर खिड़की खुला है? नहीं कहेंगे ना, हम क्या कहेंगे, यहाँ पर खिड़की खुली है, यानी कि वो कौन सा वर्ड है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है गाड़ी, तो गाड़ी आई, गाड़ी आया कहेंगे? नहीं, तो वो भी है स्त्रीलिंग शब्द। देखो कोई भी शब्द को आप सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वो समझ में आ जाएगा। ओके, दृष्टि, मेरी दृष्टि मिली, मिला नहीं कहेंगे। ओके, तो वो भी है स्त्रीलिंग वर्ड। ताकत, मैंने ताकत दिखाई, स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा ई या इन लगता है। ओके, और पुल्लिंग में आ लगता है। बात, मैंने बात की, मैंने बात कही, हम क्या कहेंगे, मैंने बात कही, राइट, मैंने बात कहा, ऐसा कहेंगे? नहीं ना, हम क्या कहेंगे, मैंने बात कही, यानी कि उसमें ई लगा, तो वो हुआ हमारा स्त्रीलिंग शब्द। फिर है पुस्तक, तो पुस्तक, मैंने आज अच्छी पुस्तक देखी, अच्छी, अच्छा पुस्तक देखा, तो वो क्या होगा, थोड़ा बहुवचन हो जाएगा। देखो पुस्तक वर्ड ऐसा है कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैंने आज अच्छा पुस्तक देखा। ओके, तो पुस्तक वर्ड है, कई बार वो पुलिंग में भी जैसा सेंटेंस है उसी तरह से हम उसको लिख सकते हैं, राइट। फिर है केतली, क्या है केतली, केतली खुली है, खुली, ई लगा, तो वो हुआ स्त्रीलिंग शब्द। एक पुस्तक वर्ड है, कई बार सेंटेंस के अनुसार वो पुलिंग में भी हो सकता है। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर टू। ओके, देखो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और सर्वनाम शब्दों को पहचानकर गोले लगाइए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर टॉपिक है सर्वनाम, क्या है सर्वनाम। तो आप लोगों को सर्वनाम की जो डेफिनेशन है, व्याख्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी हमें हमारे ग्रीन बॉक्स में दिया है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। देखो जैसे वह, मैं, तुम, उसको, हमको, तुमको आदि। तो सबसे पहले इजी वर्ड मैं आपको देती हूँ कि नाम की जगह जो शब्द यूज होता है वो होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। देखो मैं अगर मेरा कहूंगी कि हेमाली पढ़ा रही है, ओके, उसकी जगह मैं क्या कहूंगी, मैं पढ़ा रही हूं, मैं, तो मैंने क्या किया, मेरे नाम की जगह मैंने कहा क्या रखा है, सर्वनाम रखा है। क्या रखा है? सर्वनाम। हम भी अगर हमारी बात करेंगे तो हम बार बार हमारा नेम लेंगे, हेमाली ये कर रही है, हेमाली वो कर रही है, ओके, राइट, नहीं लेंगे ना। तो हमें क्या करना होता है कि हम उसकी जगह पर ऐसे सर्वनाम यूज करते हैं। ओके, हम किसी को बुलाना है कि राहुल इधर आ जाओ, तो राहुल नहीं कहूंगी कि तुम इधर आ जाओ। तो मैंने नेम की जगह क्या किया, मैंने एक शब्द जोड़ लिया है, वो शब्द होता है सर्वनाम। देखो सर्वनाम में भी अलग अलग होता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझ पर, ओके, अलग अलग वर्ड भी बनते हैं, डिपेंड ऑन योर सेंटेंस, आपका वाक्य कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, तुम पर, राइट, हम, हमें, हमारा, हमसे, हमने, ओके, वह, यह, उसका, उसकी, उसने, उसे, राइट, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम है जो जिस प्रकार का सेंटेंस होता है हम वो यूज करते हैं। और ये जो सारे सेंटेंस है वो हम हमारे वीडियो में देखेंगे। डन, अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, राइट, ओके, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री।
देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है कि ये जो वर्ड है क वाला वो हाफ वर्ड है क्योंकि इसके नीचे हलन किया हुआ है। इसके नीचे जो ऐसा होता है यानी कि ये आधा वर्ड है उसको कहते हैं हलन। क्या कहते हैं? हलन। आधा क और ये पूरा क क्योंकि इसके नीचे लाइन है नहीं इसलिए ये आधा क और ये पूरा क तो कुछ ऐसा बनेगा एक आधा क और एक पूरा क राइट। तो इसको लेके हमें एक वर्ड बनाना है। तो देखो मैं एक हमें एग्जांपल दिया है ढक्कन तो हम क्या कर सकते हैं टक्कर चक्कर कर सकते हैं। इसे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो है ये संयुक्त व्यंजन है पर ये जो एक जैसे वर्ड है ओके क क प प ट ट ल ल ये जो एक जैसे वर्ड है उसको कहते हैं द्वविध्व व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वविध्व व्यंजन यानी कि दो एक जैसे वर्ण है उसको जोड़ा हुआ है एक आधा है और एक पूरा है राइट। देखो क आधा है एक पूरा है क आधा है एक पूरा है उसी तरह यहाँ भी प आधा है और प एक पूरा है एक आधा है एक पूरा है। यहाँ पर भी देखो ट एक आधा है एक पूरा एक आधा एक पूरा। देखो आपको लगेगा कि ये कैसे साथ में लिखा है तो ट और ट को हम कैसे साथ में लिख सकते नहीं है तो क्या हम ट और ट को ऐसे साथ में लिख सकते नहीं है ट ठ ओके ऐसे वर्ण है इसको हम इस तरीके से साथ में ऐसे साथ में लिख सकते नहीं है डन। तो इसीलिए हमने इसी के साथ ऐसे लिखा है। देखो ये आधा हुआ और ये आधा हुआ ट और ट को लेके पट्टी छुट्टी खट्टी हो गया। फिर प और प को लेके एक आप प और एक पूरा प छप्पल चप्पल चप्पल। आपको तो सिर्फ ये वर्ड तो बनाने आ जाएंगे पर आपको ये याद रखना है कि ये एक जैसे दो वर्ण हो और एक आधा है एक पूरा है इसका मतलब कि ये संयुक्त व्यंजन तो है ही पर कैसे है द्वविध्व व्यंजन यानी कि उसी वर्ण को दोबारा रिपीट किया गया है। देखो नहीं तो ऐसा हो सकता है च और छ ऐसे भी आ सकता है तो हम बना सकते हैं उससे मच्छर ओके राइट बना सकते हैं हम इसको ऐसे मच्छर च और छ पर ये दोनों कैसे कैसे वर्ण है अलग अलग वर्ण है कैसे क्या है अलग अलग वर्ण इसलिए ये है संयुक्त व्यंजन पर यहाँ पर एक जैसे दो वर्ण है उसका मतलब कि ये है द्विविध्व व्यंजन। ल और ल के लेके बल्ला दिल्ली बिल्ली राइट तो ये है हमारे आंसर ढक्कन टक्कर चक्कर छप्पर चप्पल छप्पन पट्टी छुट्टी खट्टी कट्टी राइट बल्ला दिल्ली बिल्ली ओके ऐसे वर्ड हम बना सकते हैं राइट। अब नाउ अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है कि आप लोगों को कारक शब्द कारक यानी कि उसके सहायक करने वाले शब्द इसके सहायक के बिना हम वर्ड लिख सकते नहीं है इसके आंसर हम हमारे वीडियो में देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव अभी हम यहाँ पर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि लिखा है उसके नीचे द्र हमें ऐसा करके दिया नहीं है देखो द ही लिखा है थे पर द के नीचे हम ऐसा करेंगे तो उसका मतलब होगा कि उसके साथ प्लस रू जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है रू देखो कैसे करना है एक बार वापस आपको बताती हूँ कि द प्लस हमारा जो रू है वो दोनों प्लस होके क्या बनेगा द्र क्या बनेगा द्र क्या बनेगा द्र द प्लस रू यानी कि द्र दृष्टि राइट। और फिर देखो और क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है सृष्टि हमें दिया है सृष्टि तो स प्लस रू इक्वल क्या होगा सृष्टि राइट। तो हमें उस इस वर्ण के साथ रू को ज्वाइंट करना है और फिर हमारा ध्रुव स्र द्र ओके ऐसे वर्ण बनेंगे। घ
ग्रह, तो उसके जगह हम ग प्लस रू करेंगे तो क्या होगा, गृह, दृष्टि, सृष्टि, राइट, कृपा, क प्लस रू कृपा, व प्लस रू वृक्ष, क प्लस रक्षण कृष्ण, क प्लस रू कृष्ण। तो ओके, इसके आंसर भी हम वीडियो में तो देखेंगे, पर आपको सिर्फ ये सीखना क्या था कि उसके बीच में प्लस करके रू लगा हुआ है। डन। नाउ सत्रम की रचनात्मक विधिया कि हमें जानना है कि कौन से वैज्ञानिक है, उन्होंने कौन सी खोज की है, वो भी हम वीडियो में देखेंगे। पेज नंबर 20 पर देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, भारतीय रेल के बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में दे दिया है। ओके, आपको अपनी CW में वो लिखना है, किसमें लिखना है, CW में। ओके, तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको CW में क्या क्या लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम हमारी हिंदी स्टैंडर्ड 4th हमारी अंकुर पाठमाला चैप्टर 3, हमारा चैप्टर 3 का नेम क्या है, छुक छुक गाड़ी, राइट, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17, देखो उसमें क्वेश्चन आंसर है, वो अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 5, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट क्या है, जेम्स कहाँ का रहने वाला था, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस, तो हमें तो पता ही है जेम्स कहाँ रहता था, इंग्लैंड में, राइट। तो देखो ग्रीन वाला है वो आंसर है। सेकंड, रेलगाड़ी की आवाज़ कैसी होती है, तो रेलगाड़ी की आवाज़ धड़धड़, चुक चुक या पुक पुक, तो रेलगाड़ी की आवाज़ कैसी होती है, चुक चुक, तो चुक चुक में आप लोगों को राइट करना है। भाप में क्या होती है, तो भाप में क्या होती है, शक्ति होती है, क्या होती है, शक्ति। ओके, ठंडक और अग्नि होती नहीं है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, यस, किसने, जेम्स ने, राइट। तो ये थे हमारे MCQ के, यानी कि सही उत्तर पर हमें राइट का चिन्ह करना था। नाउ अभी भाषा संसार में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए में क्या क्या है, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। देखो पुलिंग शब्द में कौन कौन से वर्ड है, हम पहले वो एक बार देखते हैं। देखो पुलिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द को हमें अलग पहचानना है, तो हमें उसके उस शब्द को हमें सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। देखो फर्स्ट क्या है, कमरा, कमरा कैसा था, ओके, कैसा, तो कैसा है तो हमने कैसी नहीं कहेंगे, ओके, तो वो कौन सा कैसा वर्ड है, पुलिंग। फिर दिन, आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसी रही, ऐसा कहेंगे नहीं, इसलिए वो भी पुलिंग है। पानी, देखो आप लोग को लगेगा कि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि स्त्रीलिंग शब्द के पीछे ई या इन लगता है, ई या इन लगता है, तो देखो यहाँ पर पानी, तो आपको लगेगा कि इसके पीछे भी ई लगा है, तो ये शायद स्त्रीलिंग हो सकता है। पर पानी को आप शब्द को, पानी शब्द को आप लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करिए कि मैंने पानी पिया, ओके, मैंने पानी पिया, तो हम पुलिंग में करेंगे, पानी, मैंने पानी पी, ऐसा तो हम नहीं करते, राइट, तो इसीलिए वो शब्द पुलिंग है। फिर घर, घर, इंजन, हाथ, दरवाजा, ओके, मोस्ट ऑफ वर्ड ऐसे ही होगे जिसके पीछे अ और आ होगे, ओके, तो वो होगे पुलिंग शब्द। अभी है स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द में होता है खिड़की, खिड़की, गाड़ी, दृष्टि, ताकत, मैंने ताकत लगाई, तो उसमें क्या था, स्त्रीलिंग शब्द था, क्या था, ताकत लगाई। और फिर है बात, बात की, मैंने आज बात की, ओके, मैंने आज बात किया, ऐसा हम करते नहीं, इसलिए वो पुलिंग नहीं होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग। पुस्तक, मैंने एक आज पुस्तक खरीदी, ओके, मैंने आज पुस्तक खरीदी, इसलिए उस पर क्या होगा, स्त्रीलिंग। फिर है केतली, तो केतली, आज केतली में पानी उबल रहा था, आज केतली देखी, केतली देखा हम ऐसा करते नहीं है, तो ये सारे वर्ड स्त्रीलिंग है। और एक बार आपको ऐसा लगे तो आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं।
नाउ अभी क्वेश्चन नंबर टू, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और सर्वनाम शब्द को पहचान कर गोले लगाइए। देखो सर्वनाम सबसे पहला किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि क्या, संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। देखो कोई नाम है उसकी जगह पर हम कोई और शब्द दिखा दे, देखो यहाँ पर कोई मैं नेम रखूँ के गीता बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में, गीता बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में, गीता की जगह मैं कहूँगी मैं, तो मैंने नेम की जगह क्या रखा है, वहाँ पर एक शब्द रखा है तो वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम। फिर है पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था उसका, ओके। वहाँ पर देखो कोई नेम दिया नहीं है, नेम की जगह क्या लिखा है, उसका। और इसमें मैं है ना, वो तो पढ़ाई लिखाई में इसके अंदर की बात है, ओके। तो उसका यानी कि कोई नेम नहीं है तो वो हुआ सर्वनाम। फिर वह हैरानी से केतली के ढक्कन को देख रहा था, वह देखो हमें कोई नेम दिया नहीं है तो वो भी होगा सर्वनाम। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर क्या है कि तुम कोई नेम नहीं है उसकी जगह कोई वर्ड है तो वो हुआ सर्वनाम, राइट। तो ये थे हमारे सर्वनाम। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि क्या लिखा है कि क हाफ और पूरा क, ओके। वो दोनों मिलके क्या होगा, एक आधा क और एक क, तो उससे कौन कौन से वर्ड बनेंगे, ढक्कन, टक्कर, चक्कर, ओके। इसकी पीडीएफ में भी आज को आपको भेजूंगी, उसमें उसके आंसर भी होंगे। प और प, तो छप्पर, चप्पल, छप्पन, राइट। देखो क क से क्या बनेगा, ढक्कन, टक्कर, चक्कर, ओके। और प प से छप्पर, चप्पल, छप्पन, राइट। फिर ट ट से पट्टी, छुट्टी, खट्टी, कट्टी, राइट। ऐसे वर्ड बन सकते हैं। ल ल से बल्ला, दिल्ली, बिल्ली, राइट, ओके। ये सारे वर्ड हम हमारे इसके आंसर भी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, का की के को भरकर वाक्य पूरे कीजिए, वाक्य पूरे कीजिए। देखो यहाँ पर क्या करना है, का की के वो कैसे वर्ड है, सहायक कारक वर्ड है, कैसे है, सहायक कारक, सहाय करने वाले। देखो उसके बिना ये वाक्य हमें अधूरा ही लगेगा। दोनों बच्चे रेलगाड़ी देख रहे थे, दोनों बच्चे रेलगाड़ी को देख रहे थे, राइट। तो देखो को लगाने से हमारे सहायक रूप से हमारे सेंटेंस में अलग ही मतलब होता है और उसकी सुंदरता बढ़ती है। इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था, के बिना देखो, इंग्लैंड एक शहर में एक गरीब बालक रहता था, होता है सूट नहीं ना, ओके। केतली का ढक्कन खटखट की आवाज कर रहा था, केतली ढक्कन खटखट आवाज कर रहा था, होएगा, हो जाएगा ऐसा नहीं ना। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम गुजराती में कैसे नो नी ना, ओके, ऐसे वर्ड लगाते हैं ना, बराबर उसी तरह हमें हिंदी में सहायक शब्द का की ऐसे शब्द लगाने से हमारे सेंटेंस है वो ठीक तरह से बनते हैं। नाउ जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, भाप का इंजन बनाया। उसने चाची की बात न सुनी, उसने चाची की बात न सुनी, ओके। तो ये थे हमारे सहायक कारक शब्द से हमारी ब्लैंक्स। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, जैसे दृष्टि दस्ती दिखाए, सही जगह पर रुकी मात्र लगाकर शब्द पूरे कीजिए। रुकी मात्रा लगानी है, तो देखो दस्ती नहीं पर दृष्टि हो जाए, द के साथ प्लस क्या हुआ, रू, क्या हुआ, द के साथ प्लस रू, स के प्लस साथ रू तो सृष्टि, द के साथ प्लस रू तो दृश्य, ग के प्लस रू गृह, क प्लस
कृ कृपा व प्लस वृ वृक्ष क प्लस कृ कृष्ण राइट। तो हमने रु की मात्रा देख ली राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है पर हमारी क्या है सतरंगी रचनात्मक गति विद्या यह भी जानिए। ये सारी बातें हमें जाननी है। देखो क्या क्या है वैज्ञानिक और उसने कौन कौन से आविष्कार यानी कि कौन कौन सी खोज की है। जेम्स वाट है उसने इंजन खोजा है। थॉमस एडिसन है उसने इलेक्ट्रिक बल्ब ओके थॉमस अल्वा एडिसन होता है ना जो वैज्ञानिक उसने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। पर्सी स्पेंसर ने माइक्रोवेव ओवन की खोज की थी। फिर है चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। देखो यहाँ पर उसके पिक्चर्स भी दिए हैं आप लोगों को एक दो बार ये सारे देखने हैं ओके कि किसने क्या खोजा था ओके डन। नाउ अभी पेज नंबर हमारा 20 पेज नंबर 20 में सबसे सेकंड वाला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारतीय रेल के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखो ये स्टूडेंट ये आंसर आप लोगों को अपनी CW में लिखना है। किसमें लिखना है CW में। अंग्रेजों ने भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई थी ओके। इसका प्रोजेक्ट अभी हमें करना नहीं है। ये आंसर आपको किसमें लिखने हैं CW में। ये आंसर आप लोगों को CW में लिखने हैं राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मेट्रो रेल किसे कहते हैं। भारत में यह किन शहरों में उपलब्ध है। तो देखो मेट्रो रेल ऐसी ट्रेन है जिसे विशेष रूप से मेट्रोपॉलिटन शहरों में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग दैनिक यात्रियों को द्वारा शहर के भीतर छोटी छोटी दूरी को कवर करने के लिए किया जाता है। देखो मेट्रो ट्रेन कैसी है कि उसकी जो पटरी होती है वो डिफरेंट होती है ओके। उस पर कोई अलग ट्रेन चलती नहीं है। देखो हमारी नॉर्मल जो पटरी होती है उस पर तो सारी ट्रेन्स चलती है ओके राइट। मालगाड़ी और सिंपल ट्रेन्स वो सब उसमें चलती है। पर जो ये मेट्रो ट्रेन है उसकी जो ट्रैक होती है पटरी होती है वो भी अलग होती है। और मोस्ट ऑफ मेट्रो ट्रेन होती है वो शहर के अंदर ही जब छोटी छोटी दूरी होती है उसको कवर करने के लिए उसका यूज़ होता है। भारत में हैदराबाद दिल्ली कोलकाता लखनऊ बेंगलुरु चेन्नई कोची मुंबई और जयपुर में है और अहमदाबाद में अभी तो काम चालू है राइट। थोड़ी सी वो स्टार्ट हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इस चित्र को देख के और 8 पंक्तियाँ लिखिए। इस चित्र को हमें देखना है और 8 पंक्तियाँ लिखनी है राइट। तो ये चित्र किसका है स्टेशन का और रेलगाड़ी आ रही है। तो हमारा ये 8 पंक्ति है रेलवे स्टेशन। सबसे पहले लिखना है रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी 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 चुक 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 बीच वाला स्टेशन बोले रुक 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 धड़क फड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ आखिर वाला स्टेशन बोले रुक 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 रेलगाड़ी 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 राइट। आप लोगों को मुझसे भी अच्छी इसको गाने की आप लोगों को ट्राई करनी है राइट डन। चलो देखो अभी मैंने हमारी ये पूरी टेक्स्ट बुक है ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा दी है राइट। तो वो आप लोगों को हमारी टेक्स्ट बुक में पूरा कंप्लीट कर लेना है डन। स्टूडेंट आप लोगों को ये सारे वीडियो आप लोगों ने देख लिया राइट कि वीडियो में सारे आंसर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं ओके। तो भी क्वेरी कोई होगी क्वेश्चन तो हम लोग बाद में हमारी अभ्यास पुस्तिका में भी हम वो करेंगे डन। तो देखो स्टूडेंट ये हमारा पेज नंबर 20 पर जो प्रश्न 2 और प्रश्न 3 है पेज नंबर 20 और उसमें प्रश्न 2 और 3 और उसमें क्या है सतरंगी रचनात्मक वाला जो पार्ट है उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई वो वाला और थर्ड वाला है मेट्रो रेल किसे कहते हैं और भारत में किन किन शहरों में है ये दोनों आंसर आप लोगों को CW में लिखने हैं। किसमें लिखने हैं
सी डब्ल्यू में, ओके। और बाकी फोर्थ वाला जो है, इस चित्र को देखिए और आठ पंक्तियां लिखिए, वो मैंने आपको वीडियो में बता दी है, राइट। वो आपको वीडियो में से देख के लिखनी है, डन। और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेजूंगी, ओके, राइट, डन। तो चलो नेक्स्ट सेशन में हम हमारे एग्जाम आने वाली है तो उसका रिवीजन करेंगे, और फिर एग्जाम के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी वर्कबुक, वो सब करेंगे, ओके। देन बाय।